चलिए आज सूजी के गोलगप्पे बनाना सीखते हैं। इसमें बारीक सूजी ही चाहिए और ये बहुत क्रिस्पी बने हैं और इसको आपको सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आटे के गोलगप्पे हम बनाते हैं तभी उसको 30 मिनट्स का रेस्ट देते हैं ताकि वो दोनों तरफ से इक्वली फूले, नहीं तो एक मोटा रह जाता है और दूसरा पतला रह जाता है। तो सूजी के गोलगप्पे जब हम बनाते हैं तो इसमें आपको डबल फ्राई करना होता है सिर्फ, और ये इजीली बन जाते हैं, यहाँ पर सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आटे का शेल भी मैंने बताया था राजकचौरी के लिए, और ये वाला शेल सूजी का है, ये भी राजकचौरी के लिए यूज़ होता है। तो ये बनाने के बाद तुरंत आप कंज्यूम कर सकते हो। तो इसके लिए हम लेंगे बारीक सूजी। आप मोटी वाली सूजी को पीसिएगा नहीं, इस रेसिपी के लिए बारीक वाली सूजी ही लेनी है। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है, ये मैंने 2-3 दिन रखने के बाद इसको क्रश किया था और कितना अच्छे से टूट रहा है। इसी से मैंने राज कचौरी भी बनाई है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये कितनी क्रंची बनी है और हाथ लगाते ही टूट रही है। तो यहाँ पर हमने 1 कप सूजी ली है, 200 ग्राम है माप से। 3 टेबलस्पून हम तेल डालेंगे मोयन के लिए, नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। गर्म पानी ही हमें डालना है इसमें। तो यहाँ पर 74 ग्राम मैंने पानी लिया है, अप्रॉक्सीमेटली 1/2 कप जितना पानी है। तो इसी से हम इसको गूंथ लेंगे, ये कुछ ही सेकेंड्स में आटे की तरह बन जाएगा जैसे ये पानी सोख कर लेगा। मुझे इतना पानी लगा है आटा गूंदने के लिए, 1/2 कप अराउंड। इसको रेस्ट देने के बाद थोड़ा सा सूजी को ही छिड़क लेंगे और इसमें हम इसको गूंथ लेंगे। यहाँ पर आटा हमें यूज़ नहीं करना है। प्लेटफॉर्म पे निकाल लेंगे, इसको बेल लेंगे और इसको हमें सामान पूड़ियों में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जब छोटी है तभी इसको कटर से कट कर लेंगे और उसके बाद में इसको बेल लेंगे। तो क्या होगा कि सब पूड़िया एक सिर की बनेगी। थोड़ा सा रवा छिड़क देंगे इसके ऊपर बेलते हुए ताकि ये जो आप देखते हो थोड़ा थोड़े दाने दिखते हैं पूड़ी में, तो वो दिखेंगे इस तरीके से दिखते हैं और बेलने में भी आसानी होगी। अब हम धीरे धीरे करके सबको इस तरीके से बढ़ा लेंगे। जितने देर बेलना है उतने देर ही हम इसको आइडियल रखेंगे, इसके बाद में हम इसको डायरेक्टली भी तल सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस हो तो। पूड़ी जितनी पतली हो उतनी ही पतली बेलनी है और आप एक तल के देखिएगा, अगर नहीं हो रही है तो थोड़ी और मोटी बनाइएगा, वरना हमें पतली ही चाहिए, मीडियम बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एकदम पतली ही चाहिए यहाँ पर पूड़ी। और ये फूलती भी है तो इस तरीके से हाई फ्लेम पे हम इसको तल लेंगे। और ये यहीं पर ख़त्म नहीं होती, ये एकदम ठंडी होने पर इसको हम डबल फ्राई करेंगे ताकि ये और क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए डालते ही पूड़ियाँ एकदम फूल जाएगी, आपको इस तरीके से इसे चलाते हुए हर तरफ से तलना है। एक एक करके डालिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बनाइएगा। ये इस तरीके से हमें बहुत देर तक चलाते हुए इसे तलना है। तो मैं आपको बैच बताऊंगी। और ये पूड़ियाँ तो हमें हल्का सा प्रेस करनी पड़ती है, पर ये जो छोटी वाली पूड़ियाँ है ये देखिए अपने आप से फूल रही है, प्रेस भी नहीं करनी पड़ रही है। तो इसको भी हमें डबल फ्राई करना है और इसको भी चलाते हुए हमें तलना है। छोटी वाली पूड़ियाँ हर बैच में एकदम बढ़िया फ्राई हुई थी, ओवल शेप के वजह से ये इस तरीके से फूलती है, गोल शेप वाली भी फूलती है। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम पूरी को डबल फ्राई कर लेंगे, ये एकदम ठंडी हो गई थी और इसके बाद में फिर से मैंने इसको डबल फ्राई करने के लिए डाल दिया है। हल्का सा गोल्डन कलर आने पर हम इसे निकाल लेंगे। तो इन बड़ी वाली पूरी से आप राज कचौरी बना सकते हो, इसमें हल्की सी हल्दी भी डाल सकते हो कलर के लिए, और बहुत ही क्रिस्पी बनती है और टेस्टी भी बनती है। इसी पूरी को यूज़ करके मैंने राज कचौरी भी बनाई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो आप भी चाय बनाइए डिलीशियस रेसिपी और इसको अपने चाट में यूज़ कीजिएगा ज़रूर।